गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वील बी डूइंग सम एक्सरसाइजेज फ्रॉम चैप्टर नंबर 13, शेयरिंग आर फीलिंग्स. फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स. वी कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स बेटर बाय पुटिंग आवरसेल्व्स इन देयर सिचुएशंस. बट हमें नहीं पता लोग किस मुश्किल से निकल रहे हैं. हम उनका कई बार मजाक उड़ाते थे जाने अनजाने. हम लोगों को शायद उनकी परेशानी के बारे में तभी पता चलेगा जब हम उनकी जगह खुद को रख कर सोचें. ठीक है, वी नीड टू बी एम्पथेटिक, नॉट जस्ट सिंपथेटिक बट ऑल्सो एम्पथेटिक. एम्पथी वाली फीलिंग होनी चाहिए जब हम दूसरे की जगह खुद को रख कर सोच सकें कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ निकाल रहा है. ब्रेल इज़ रेड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स. ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. ब्रेल स्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड बाय लुई ब्रेल हु वॉज हिमसेल्फ ब्लाइंड. वो खुद भी ब्लाइंड थे फिर भी उन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट इन्वेंट की जस्ट बिकॉज ही वॉन्टेड टू रीड एंड राइट. ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग कंप्यूटर. ओके, हेयर इज एन एक्टिविटी दैट आई विल जस्ट शो यू नाउ. दिस इज द एक्टिविटी. यूज अ शार्प पेन टू मेक होल्स इन अ पेपर एंड राइट योर नेम. सी, ईच अल्फाबेट हैज अ पैटर्न ऑफ डॉट्स. जो ब्लैक डॉट्स हैं वहाँ पर आपको छेद करना है और हर पैटर्न एक अल्फाबेट को डिपिक्ट कर रहा है. तो आपको ऐसे ही ब्लैक डॉट्स बनाने हैं टू शो हाउ योर नेम वुड लुक इन ब्रेल. ऐसे आपको इनके अंदर आप अपना नेम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे लिखा जाता है. बेटा, द पर्पज़ बिहाइंड दिस एक्टिविटी इज़ जस्ट टू लेट यू नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर द ब्लाइंड पीपल टू रीड एंड राइट. बट बिकॉज दे वॉन्ट टू डू इट, दे डू इट. ओके, सो इट इज़ अ पर्सन्स डिटर्मिनेशन एंड द विल पावर दैट हेल्प्स हिम और हर टू ओवरकम ऑल द वीकनेसेस इन हिज और हर लाइफ.